यार शीशे वीशे बंद करो प्लीज, इतना भी वो नहीं करना चाहिए इंसान को, ठीक है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो है कुछ अजीब सा हुआ है हम लोगों के साथ। तो आज का वीडियो जो है ना थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है सबके लिए। और आज के वीडियो में जो हुआ है वो हमारे साथ जो है फर्स्ट टाइम हुआ, पहले आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है। और ये जो भी हुआ है ना मैं आपको बताती हूँ कि एक्चुअल में हुआ क्या है। स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो हुआ ये कि आज जो है हम लोग जा रहे थे अपनी बहन के यहाँ, मतलब मैं शिल्पी से मिलने जा रही थी। वो अभी दो चार दिन पहले भी मैं आपने मेरा व्लॉग देखा होगा, हम लोग बैराज जब जिस व्लॉग में मैंने आपको दिखाया है तो उसका घर जो है ऋषिकेश के ही रास्ते में पड़ता है। तो हम लोग जब जा रहे थे तो उस रास्ते के बीच में एक बहुत डेंजर रास्ता आता है जो जंगल का रास्ता है। तो अभी जब तीन चार दिन पहले हम लोग जा रहे थे ना तो हम लोगों ने ऐसे मस्ती में ही बोला कि चलो इस वाले रूट से चलते, लेकिन बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया था, रात के करीब बज गए थे 10:30। तो हम लोग हल्का सा अंदर गए लेकिन उसके बाद हमारी हिम्मत नहीं हुई कि हम उसके अंदर चले जाएं रास्ते के, तो हम बाहर से आ गए। तो आज ऐसा हुआ कि जाते हुए हमने ऐसी मस्ती करी और आते हुए जो है ना हमने बोला कि चलो चलते हैं इस रूट से। और टाइम हो रहा था करीब 8 बजे का टाइम था जिस समय हम उस रूट से जा रहे थे। लेकिन आप यकीन मानिए कि वो रूट इतना ज़्यादा खतरनाक है कि अगर आप 8 बजे भी उस रूट से जा रहे हो ना तो लगेगा कि रात के 11-12 बजे जो है आप उस रूट से निकल रहे हो। दोनों तरफ जंगल है बहुत ज़्यादा, और खतरनाक इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वहाँ पर जो है ना बहुत ज़्यादा जो है जानवर आते हैं। तो वहाँ से एक बहुत सारे लोगों को जो है ना गुलदार उठा के ले जा चुका है। और कुछ टाइम पहले की बात है एक लेडी को भी जो है ना वहाँ से, वो शायद बैंक जा रही थी तो रास्ते से ना उसको गुलदार जो है उठा के ले गया था अपने साथ। तो ऐसे ही जो है ये वहाँ पर घटनाएं होती रहती है, तो इसलिए वो रास्ता बैन है वहाँ से पैदल जाने, वैसे तो पैदल क्या वहाँ से बाइकों में जाने के लिए भी जो है ना मना करते हैं, तो हम लोग इसीलिए गाड़ी से गए। तो गाड़ी से जाते हुए जो है ना हम लोगों ने वीडियो बनाई। तो वो वीडियो जो हम गाड़ी से जाते हुए जब हम लोग उसकी वीडियो बना रहे थे ना, तो वीडियो हमने आप देखना, इसके बाद जो है वो वीडियो क्लिप्स चलेंगी। तो हम मैंने नॉर्मली वीडियो बनाई, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगी कि मेरे को उस टाइम तक भी कुछ नहीं पता था जब तक मैंने वीडियो देखी। लेकिन जो मेरा भाई है, मेरे कज़न ब्रदर जिसको आपने देखा होगा मेरे उस पे चैनल मेरे वीडियोस पे, तो उसने भी जो है छोटी सी क्लिप बनाई वीडियो की, और छोटी सी क्लिप बनाई, वो भी वीडियो बना रहा था मैं भी बना रही थी। तो उसने छोटी सी क्लिप बना के ना उसको व्हाट्सएप पे डाल दिया, स्टेटस पे डाला। तो उसी की किसी फ्रेंड ने ना एक स्क्रीनशॉट लेके हम लोगों को भेजा उसी वीडियो में से। तो उसने भाई ने ना वो स्क्रीनशॉट हमें दिखाया और तब तक भी हमें कुछ नहीं पता था, लेकिन जब हम लोगों ने दोबारा से वो वीडियो देखी ना उसके बाद हम लोगों को पता चला कि एक्चुअल में वो क्या दिखा रहा था और वो चीज़ क्या थी। हम अभी भी जो है ना मतलब चारों बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हैं, पता नहीं क्या है। मैं आपको कुछ ऐसा नहीं बोलूँगी कि क्या था, मतलब वो आप खुद ही देख लीजिए वीडियो में कि वो क्या चीज़ थी जो इस तरीके से दिख रही थी, या क्या वो सच में था या सिर्फ हमारा वहम था। तो चलिए पहले आप इस वीडियो को देखिए। रास्ता है, तेज चलाओ तो। मैंने यहाँ से ना वो आते हुए देखा था, उस समय तो बंदा आ रहा था यहाँ से। थैंक आगे घर दिख रहा है किसी का, भाई घर नहीं है वो ट्रेन की पटरी का पुल है वो। मैं सच कह रही हूँ इस समय मेरी दिल की धड़कनें बढ़ी हुई है, सीरियसली बोल रही हूँ, मेरे को इतना डर लग रहा है यहाँ पर। क्या हो गया, तुम्हारा दिमाग खराब हो रहा है? इधर देख, लाइट बंद कर दे। नहीं कर भाई, मत करियो भाई, प्लीज मत करियो भाई, लाइट मत बंद करना, हंसो मत। देख रहे हो तुम क्या देख रहे हो, देख आगे लाइट जल रही है। अरे बहुत, अरे तुम पागल, यही कहीं खत्म हो जाएगा, ज्यादा लंबा नहीं है, ये लो जंगलात वाला आ गया। देख क्या दिक्कत है, अब इससे आगे थोड़ा सा और ऐसा ही है, थोड़ा सा डेंजर सा है, उसके बाद सब बढ़िया। देख डर के आगे जीत है, लेकिन फिर भी यार तुम चुप रहो। अच्छा लाइट बंद करियो एक बार। नहीं 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 मत करियो मत। अमन अरे लेफ्ट साइड में तो मैं अगर उजाला दिख रहा था उसमें तो डर ही नहीं सकता। हाँ लेफ्ट साइड में तो अभी फिलहाल कोई नहीं डरेगा, लेकिन क्या पता है कोई रहता ना, जो रहते हैं इतनी लाइट ऐसी चल रही है भाई, रहते तो हैं खैर। तो देखो ना सब ताले वाले लगे हुए हैं, ताले लगे आते होंगे बस गश्त के लिए ना। और ये सोचे काफी ज्यादा डर लग रहा है कि हम
और ना यार पेड़ ना बहुत अजीब तरीके के है, बहुत ज्यादा अजीब है यार। क्या अजीब क्या है? सूखे हैं, सूखे से भी, और ऊपर देखो यार लटके हुए से जैसे हाथ हाथ और बेले बेले देखो कैसी है। तू यहाँ का जंगल सफारी इतनी रात को आया? हाँ अच्छा तो है सफारी कर ले, यही मैं बोल रहा हूँ। अब तुम्हें कॉर्नरिंग मैम से कॉर्नर भी दिया, देखो उतर सकते हो बिल्कुल। यहाँ पर गुलदार है ना, हाथी का भी करना नहीं है, बाघ का ज्यादा है। और ये जो आगे वहाँ जाएंगे ऐसा कुछ नहीं है यार, यार सीरियसली। हाँ हेलो, लेकिन यहीं से ना वो जो लेडी थी ना जो बैंक जा रही थी वो पैदल आ रही थी, वो तो बाघ ने उठा। कौन कह रहा है उसको? जो बाघ कह रहा हूँ सॉरी, गुलदार ने उठा लिया था इस रास्ते से, वो बैंक का जा रही थी पैदल आ रही थी यहाँ से। मेरे ख्याल पहले आते जाते रहे कुछ ग्लव्स वगैरह मंगवा ले, हो सकता है तो कुछ नजर आ जाए। अरे मैं कह रहा हूँ सैनिटाइजर ग्लव्स वगैरह मंगवा दियो, ऐसे डरने के लिए मान लो के लिए थोड़ी ना है। अब यहाँ पे अगर मान लो गाड़ी खराब हो जाती है हेलो तो क्या करें, यहाँ सिग्नल भी तो नहीं आते हैं, यहाँ सिग्नल भी नहीं आते तो मैं वेट करना पड़ेगा गाड़ी के अंदर ही बैठो पूरी रात। प्रॉब्लम ये है कि गाड़ी के अंदर तो बैठ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है गाड़ी के अंदर बैठने की, लेकिन बस हाथी ना आए, क्योंकि अगर हाथी आ गया ना जानवर आते हुए तो मैं कोई पैसे परेशान नहीं करता, ऐसे कुछ नहीं है हाथी कर सकता है। एक भी अरे जिस समय हम उधर जा रहे थे ना शिल्पी के घर, उस समय एक बाइक वाला तो आ रहा था इधर से। हाँ, वो तो दिन का टाइम था ना, लेकिन इस टाइम तो अभी मुश्किल कोई आ रहा है सामने। कैसे पता? लाइट जल रही है पक्का? हाँ मेरे को भी लगा लाइट जली, पर लाइट तो आ नहीं रहा है, कोई टॉर्च मार रहा था, मेरे को भी ऐसे लगा लाइट जली, सच्ची लगा। हाँ लाइट जली मेरे को भी लगा, वो देख कोई होगा, क्या पता वही हो, क्या पता जंगलात वालों की गाड़ी हो सकता है क्या? थोड़ा तेज चलाओ। नहीं तेज नहीं चलाएगा ये भाई, इतनी देर कहाँ से लगती है गाड़ी को आने में? तो क्या है? वो बाइक आ रही है भाई, देख रहा बाइक से आ रहे हैं, ट्रेन थोड़ी ना आएगी इस समय। नहीं गाड़ी आ रही है इस समय, बाइक से नहीं आता होगा भाई कोई, तो धीरे क्यों आ रहा है यार? रास्ता खराब होगा तो आएगा नहीं धीरे, हम क्या बहुत स्पीड में जा रहे हैं। एक गाड़ी दिखी, ऐसा भी होता है कि सामने ना गाड़ी खड़ी कर देता है, सामने से गाड़ी खड़ी कर देता है, उसके बाद बंद करियो एक बार। नहीं 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 मत करियो मत अमन। अरे लेफ्ट साइड में तो मैं अगर उजाला दिख रहा है तो उसमें तो डर ही नहीं सकता है। हाँ लेफ्ट साइड में तो अभी फिलहाल कोई नहीं डरेगा, लेकिन क्या पता यहाँ कोई रहता ना, जो रहते इतनी लाइट ऐसी चल रही है भाई, रहते तो है, देखो ना सब ताले वाले लगे हुए हैं। तो आपने पूरी वीडियो देख ली है तो आपको कुछ समझ आया? अगर आपको समझ नहीं आया तो एक बार स्लो मोशन में इस वीडियो को फिर से देखिए। कौन था? अकेला बंदा? यही के बंदे होंगे भैया, सब पता है यहाँ के बंदों को। आगे भी कोई लाइट सी तो ना, यहाँ लूटपाट की घटना होती है। चलना सही है, यहाँ नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? हो सकती है पर आगे से तेरा भी गाड़ी लगा दे, क्या कर ली? क्या कर लूंगी, कुछ भी नहीं करेंगे फिर क्या कर सकते हैं? थोड़ी देर तो थोड़ा सा कुछ ना अब ये लगा ले, जो कोडिया वाला रास्ता है ना। हाँ बिल्कुल ऐसे ही, ऐसे घना जंगल है। अच्छा वहां तो तुझे गाड़ी गाड़ी की जात भी नहीं दिखी। जा रहे हैं बंदा, ऐसा कुछ नहीं, ऐसे ही मतलब थोड़ा सा ऐसा ठीक रोड है, रोड तो ठीक है वहां का, पर ये है कि घना जंगल है, तेरे को जगह जगह वो निशान मिल जाएंगे। टायर जहाँ को मुड़ते हैं सबको लाइट जाती है। देखियो अगर इसको कोई बंदा इसको ऐसे ही देख ले इस चीज को, ये देख रहा है कैसे खड़ा हो रहा है, ये देख ऐसे कितना बुरा लगेगा ना ये पीछे से अगर हम इसको देखेंगे तो। इसको कितना अजीब सा पेड़ है ये, पीछे देख जरा मुड़ के। नहीं देखूंगी। वो देख क्या हुआ, ऐसे डर रही है। अरे बंद करो यार, शीशे वीशे बंद करो प्लीज, इतना भी वो नहीं करना चाहिए इंसान को, ठीक है?
बंद कर दो यार, प्लीज बंद कर दो, बंद कर दो। हाँ ठीक है, बंद कर दो, तुम शीशे बंद करो बस। हर समय ना अपनी वो मत चला करो, पीछे देख रहा था मैं। हाँ पीछे तुम ऐसे भी देख रहे हो, पीछे देखो। नहीं देख रही नहीं देख रही है ये। अब भाई कितनी देर का हो रही है? खत्म हो गया ये, इधर जाएगा क्या बसंती माता मंदिर? पता नहीं आता, मैं जीआरटी वाला रोड घुमा के लेके आता हूँ। जीआरटी वाला कौन सा है? जीआरटी वाला रोड। और तो अब जो है आप लोग पूरी वीडियो देख चुके हैं और आपने स्लो मोशन में भी देख लिया होगा कि किस तरीके की जो है एक पिक्चर बन रही है उस रास्ते में। तो आप लोगों को जो जो भी लगेगा ना, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि वो क्या चीज़ थी एक्चुअल में। हमें भी नहीं पता, लेकिन क्योंकि मेरे को लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये था मेरा वीडियो, आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। और अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो मैं मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।